हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़े पाटिल आईटी अकेडमी। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। इसके पहले हम लोगों ने एल्कीन पढ़ रखा है, उसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके केमिकल प्रॉपर्टी तक हो गया है। तो हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। तो हम लोग बात करेंगे एल्कीन की, डिस्कशन अबाउट एल्कीन एंड अल्काडाइन्स का मतलब यह है कि अल्कीन में कितने डबल बॉन्ड होंगे, दो डबल बॉन्ड होंगे, इससे ज्यादा भी पढ़ेंगे, बट हम अल्कीन एक डबल बॉन्ड और मोर देन वन डबल बॉन्ड की बात करेंगे, तो उसको हम सिंपल ले लेंगे अल्काडाइन। तब सबसे पहले बात करते हैं कि यह हाइड्रोकार्बन के अंडर ही आता है, तो हाइड्रोकार्बन के अंडर अल्कीन भी आता है, अल्कीन भी आता है और अल्काइन भी आता है। तो इसको अल्कीन क्यों कहते हैं, तब लिखेंगे यहां पे कि अल्कीन क्या होता है, अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड is called alkene, and this is also called olefin. This is also called olefin. तो अल्कीन वही होता है हाइड्रोकार्बन का जिसमें डबल बॉन्ड होता है, दिस कॉल्ड अल्कीन, और उसको क्या बोलते हैं, ओलिफिन। इसके जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n। से कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, अल्कीन का एग्जांपल C2H4। तो इफ n की वैल्यू 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 4। तो जाहिर सी बात है अगर इसके जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट वो डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, कार्बन और कार्बन में, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, हाइड्रोजन का भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। आप इसके स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी एच एच और एच, तो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द अल्कीन। कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, देखिए यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन भी है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर डबल बॉन्ड कंटेन किया है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कीन। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका है नेमिंग और इसका है आइसोमर। आइसोमर में जैसे हमें सीस और ट्रांस पढ़ना है, सीन और एंटी पढ़ना है, ई एन जेड आइसोमर पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ना है, तो सारी चीजें हमने आइसोमर के चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, और नेमिंग भी हमने इसका कर रखा है। तो आइसोमर और नेमिंग की बातें नहीं करेंगे, नेक्स्ट हम डायरेक्ट हम लोग आएंगे प्रिपरेशन। तो हम लोग डायरेक्टली आएंगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे, कि व्हाट इज द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहले हम लोग मेथड यूज करेंगे, पहला हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। कि अल्कीन के बनाने के क्या क्या मेथड है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हम लोग क्या प्रिपरेशन करेंगे, किसका, अल्कीन का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले एल्कोहल का हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब हमें वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है, अल्कोहल से रिमूव करके और किसका फॉर्मेशन करना है, अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो हमें वाटर अल्कोहल से रिमूव करना है और फॉर्म करना है अल्कीन, कैसे, तो वाटर रिमूव नहीं होगा। अब इसको क्या चाहिए, रिएजेंट, या हम कोई रिएजेंट यूज करेंगे तभी। तो हम लिखेंगे यहां पर, देयर आर वेरियस देयर आर वेरियस
डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पे बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिसका यूज करके आप क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। जैसे अगर आपने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल अगर आपने अल्कोहल में पहला देखिए मैं सारी चीजें यही बता दूंगा, बाकी इसके रिएक्शंस भी बताऊंगा। अगर आपने अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हीट कर देते हैं, और टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 170 डिग्री सेल्सियस से लेके 180 डिग्री सेल्सियस अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कीन का फॉर्मेशन होगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इसका डिहाइड्रेशन Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, और इसके प्रेजेंस में आपको इसको हीट करते हैं कहां से, 380 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहां पे जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा और यहां पे भी डिहाइड्रेट हो जाएगा और यहां पे क्या बनाएगा, वाटर। और इसी एल्कोहल का अगर आपने H3PO4 के साथ डिहाइड्रेट करते हैं और रिपीटिंग टेम्परेचर लेते हैं 477 केल्विन, तो यहां पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का। अगर आपने अल्कोहल लिया और वहां पे हीट करते हैं P2O5 और P4O10 के साथ अगर हीट करेंगे, तो यहां पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन। तो आप कभी भी अल्कीन अल्कोहल लेते हैं, और अल्कोहल से क्या बनाना है आपको, अल्कीन, तो आपको रेजिन चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनका टेम्परेचर, टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम टेम्परेचर लेते हैं, तो जैसे नेक्स्ट स्टेप की बात करें, यहां पर लिख लेते हैं यहां पे अगर आपने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल और इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर दिया, और इस बार टेम्परेचर आपने 110 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो यहां पे जो बनता है, यहां पे फॉर्मेशन होता है डाई अल्काइल सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, डाई अल्काइल सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो यहां पे अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर। सिमिलरली अगर आपने अल्कोहल का एल्यूमिना के साथ डिहाइड्रेटिंग करते हैं, और यहां पे आपने टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो आप टेम्परेचर याद रखिए, टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप H2SO4 लेते हैं तो कितना लेंगे, 170 से 180 डिग्री सेल्सियस, 380 डिग्री सेल्सियस। आप एल्यूमिना के साथ लेंगे H3PO4 कितना लेंगे, 477 केल्विन। P2O5 P4O10 के साथ हीट करेंगे तो भी एल्कीन बनेगा। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन ले रहे, तो डाई अल्काइल सल्फेट बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, 140 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होगा। एल्यूमिना के साथ भी Al2O3 के साथ 240 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ईथर। तो अब हमें क्या बनाना क्या है, एक्चुअली अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलते हैं और इस रिएक्शन को लेकर चलते हैं, क्योंकि अल्कोहल मेनी टाइप के हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, उनमें इसका क्या इफेक्ट होगा उसको आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल From 1 degree alcohol
बाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। तो हम बात करें कि 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं कॉन्सेंट, बाकी सबसे बनेगा बट 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसमें आपको याद रखना है कि दिस रिएक्शन प्रोसीड बाई E2 मैकेनिज्म। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस मैकेनिज्म में अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है तो वहां पे कौन सा मैकेनिज्म होगा? E2 मैकेनिज्म। आप रिएक्शन मैकेनिज्म में आप याद देखना जाके नोट्स में, वहां पे हमने लिखा है कि E2 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा उसका बीटा हाइड्रोजन निकल के क्या बना देगा? अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे CH3 CH2 OH और यहां पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया H2SO4 और इसको हीट कर दिया हमने 170 डिग्री सेल्सियस से लेके 180 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां पे जो फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का। अब हमने बोला है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो किसको फॉलो करेगा? E2 मैकेनिज्म। D2 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। तो इसके अगर मैकेनिज्म वाले पार्ट को बात देखें कि मैकेनिज्म कैसे होगा, तो आप देखिए क्या करना है कि आपने क्या लिया यहां पे, और E2 मैकेनिज्म किसके प्रेजेंस में होता है? बेस। और बेस कौन सा रहेगा? ब्रॉन्ज स्टेट बेस। तो आप पहले क्या फॉर्म करेंगे? बेस। तो मैकेनिज्म में आप देखिए H2SO4 पहले डिसोसिएट होगा H++ HSO4-। तो HSO4- में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर किसी एटम के ऊपर होता है तो मतलब वो बेस होता है, तो किसका काम करेगा ये? ब्रॉन्स्टेड बेस का। अब ब्रॉन्स्टेड बेस E2 मैकेनिज्म में क्या करेगा उसकी देखते हैं। तो आप जो सब्सट्रेट लिए हो उसको लिख लो यहां पे H, और यहां पे H है और यहां पे OH और यहां पे एक हाइड्रोजन है। तो OH यहां पे ले लीजिए क्योंकि हम एंटी इलिमिनेशन करते हैं इसमें। देखिए अब देखिए ये जो OH माइनस मैकेनिज्म कर रहे, ये जो OH माइनस है यही OH माइनस क्या है? लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा उस टाइम? पॉजिटिव चार्ज। सेम टाइम में जो आपने बेस लिया है HSO4-, इसका अगर ये अल्फा होगा जिसपे लिविंग ग्रुप लगा अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन होगा? बीटा। बीटा कार्बन जहां से OH निकलेगा उसके एंटी एलिमिनेशन, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? इस प्रोटॉन को यहां भेजेगा और ये बेस हमेशा किससे रिएक्ट कर जाएगा? प्रोटॉन से। और प्रोटॉन से रिएक्ट करके क्या बना देगा यहां पे? H2SO4, क्योंकि कैटलिस्ट आपने क्या यूज किया है? H2SO4। तो कैटलिस्ट निकलना भी चाहिए। और देखिए ध्यान से कि OH माइनस और EH प्लस मिलके क्या बना दे? वाटर। यहां पे बन गया है वाटर। और दिस माइनस एंड दिस प्लस, एक बॉन्ड पहले से है और एक माइनस और एक प्लस मिलके क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और इसके साथ दो हाइड्रोजन, और यहां पे भी दो हाइड्रोजन लग गया, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया? दिस इज द इथेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है उसको कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू होता है? दिस इज द E2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट, फ्रॉम 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल, नेक्स्ट फ्रॉम 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। और यहां पे भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करेंगे। एल्यूमिना हो H3PO4 वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी वैसे ही बनेगा, बट हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करेंगे। इसमें पहले लिख लेंगे दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा।
तो आप याद रखिए, याद करिए कि ईवन मैकेनिज्म में क्या होता था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो अपने आप को क्या करेगा, रीस्टेबलाइज, क्योंकि पहले उसमें से लिविंग ग्रुप निकलता था, कैटायन फॉर्म होता था, फिर उस कैटायन जो कार्बोकेटायन था अपने आप को रीस्टेबलाइज करता था, और रीस्टेबलाइज क्या करता था, कैसे, बाय शिफ्टिंग। तो पहले तो हमने देख लिया कि दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय क्या है, ईवन मैकेनिज्म। सेकेंड आप देखेंगे यहां पे, इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म फॉर्म एंड कार्बोकैटायन रीस्टेबलाइज बाय शिफ्टिंग। कार्बोकैटायन जो है कि रीस्टेबलाइज होगा शिफ्टिंग से, और शिफ्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इट मे बी क्या हो सकता है, 1,2 क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट ले सकते हैं, जो हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था। थर्ड, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, जिसमें हमने रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, और 1,2 मिथाइल की जगह पे मिथाइल या फिनाइल भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वैसे अगर हम 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पे CH3 CH CHOH एंड CH3, और इसका आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया और इसको हमने हीट कर दिया। इस बार आप हीट को जो है कि थोड़ा सा कम कर सकते हैं से लेके 170 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो कितना होता है, 85%। लेकिन अगर आप प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो वहां पे 100% H2SO4 होगा, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल लिया है तो टेम्परेचर थोड़ा कम रखना पड़ेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा कम रहेगा, तो भी रिएक्शन होगा। और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है, एक बार 2013 में चेक करिएगा, और जेई में भी आया है। तो अब देखिए, इसके प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट बना देता हूं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेंगे। इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, और एक प्रोडक्ट और पॉसिबल होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 एंड CH3। तो अब देखिए, मैं इसमें बता देता हूं कि अगर दो प्रोडक्ट है तो दोनों तो मेजर नहीं होगा, एक मेजर होगा और एक क्या होगा, माइनर। एक प्रोडक्ट क्या है, मेजर, और एक प्रोडक्ट क्या है, माइनर। अब मेजर और माइनर हमने आपको बताया था कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड आप क्या चेक करते थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है उससे डायरेक्टली जो कार्बन लगा रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। अगर sp3 है तो उस हाइड्रोजन, उस sp3 कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करी तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और उसके हिसाब से यहां पे चेक करिए कि क्रॉस द डबल बॉन्ड 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, तो यहां पे कितने हैं टोटल, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने आपको बताया था कि जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड, वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। अकॉर्डिंग टू रूल क्या था, हमने बताया था कि एक रूल है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था, तो उस रूल को क्या बोलते हैं, सैडजेव रूल। के अकॉर्डिंग द अल्कीन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, उसकी प्रोडक्ट की इल्डनेस ज्यादा होगा, मतलब वो प्रोडक्ट की परसेंटेज ज्यादा होगा। दो प्रोडक्ट है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगा उसका क्या होगा, कम, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो क्या होगा, मेजर, और जिसका परसेंटेज कम होगा उसका क्या होगा, वो माइनर।
तो नेक्स्ट इसके बाद हम इसको इसका देख क्या देखते हैं मैकेनिज्म, क्योंकि आपने इस बार क्या लिया है 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री और उसको क्या फॉलो करेगा इवन मैकेनिज्म, और इवन मैकेनिज्म में किसका फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन जिसमें 1,2 हाइड्राइड मिथाइल या फिनाइल या बॉन्ड शिफ्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म। तो रिएक्शंस पहले लिख लेते हैं, जिस रिएक्शन से हमें मैकेनिज्म आपको बताना है तो वही रिएक्शन फिर से लिख लेते हैं CH CHOH CH3, उस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को उसमें से प्रोटॉन निकलता है जो H+ हीट कर सकते हैं और यहां पे आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। इसको हमने बताया था दिस इज द माइनर प्रोडक्ट होगा और दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब ये मेजर या माइनर है कैसे है इसकी बातें करते हैं। तो मैकेनिज्म पहले लेते हैं, मैकेनिज्म सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जिसका हम बात करेंगे प्रोटॉन बन रहा है यहां पे। तो प्रोटॉन कैसे बनाना है अब देखिए यहां पे H2SO4 डिसोसिएट होगा H+HSO4-। नोटिस करिए आप जब आप E2 मैकेनिज्म ले रहे थे तो वहां पे हम किसका यूज कर रहे थे रिएक्शन में बेस का, बट इस बार हम क्या कर रहे हैं कि इवन मैकेनिज्म जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन, इस बार हम किसका यूज करेंगे H+, जिसका H+ को क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द प्रोटॉन। और प्रोटॉन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन वो भी लूज कर गया, इसलिए उसको क्या है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहां पे अटैक करेगा जहां पे सब्सट्रेट के पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो पहला स्टेप लेके चलेंगे इसमें स्टेप 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप में होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तब देखिए CH3 CH3 CH CH OH एंड CH3, प्रोटोनेशन मतलब ऐड करेंगे किसका प्रोटॉन का। अब यहां पे लोन पेयर है क्योंकि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वही पे अटैक करेगा जिसके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रेस्ट में है तो एक लोन पेयर क्या करेगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है डुप्लेट, जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा यहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3 CH3H और यहां पे CH O+HNH और यहां पे क्या आ गया CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वाटर को हम क्या करेंगे इलिमिनेट, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वाटर क्या करे सॉरी ऑक्सीजन अपने आप को रिस्टेबलाइज करेगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऊपर से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड क्या करेगा डिसोसिएट, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट करेगा तो बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा और प्लस माइनस दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे तो बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ पे किसका इलिमिनेशन हो जाएगा वाटर का। और देखिए जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो मिल गया CH3 CH3 CH और CH+ और यहां पे मिल गया CH3। तो कितनी डिग्री कार्बोकेटायन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, बट हमें पता है कि कार्बोकेटायन इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो अगर इससे भी ज्यादा चांसेस होंगी हमें रिस्टेबलाइज करना है शिफ्टिंग करके अगर मिल जाएगा तो वहां पे क्या करेंगे स्टेबल कराएंगे। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसी केस में यहां पे ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन की अगर हम बात सॉरी इस हाइड्रोजन के यहीं पे रहने दीजिए यहां वाला हाइड्रोजन लीजिए सही था यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन और यहां पे हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे 1,2 जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या मानिए 1 और उसके बगल वाले कार्बन को क्या मानिए 2
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करिए, तो सोचिए ये वाला बॉन्ड अगर इधर ब्रेक करे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस हाइड्राइड को इसको साथ शिफ्ट कर लीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मिल गया CH3, और यहाँ पे मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH2 एंड CH3। तो देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड, तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि 2 डिग्री से, अब इसमें इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता, ये मोस्ट स्टेबल है। तो एक बार अगर आपने इंटरमीडिएट बना लिया, अब उसके बाद जो आपने वाटर मोली, अब क्या करेंगे, अब एक बार आपने कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल बना लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने इनिशियली क्या यूज किया था, कैटलिस्ट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इलिमिनेट हो जाएगा। अगर प्रोटॉन इलिमिनेट हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन। तो नेक्स्ट जो स्टेप लेके चलेंगे हम लोग, स्टेप 2, देखिए स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे डी प्रोटोनेशन। जहां पे भी डी लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि रिमूव कर रहे हैं, डी प्रोटोनेशन। तब डी प्रोटोनेशन का मतलब यह है कि CH3 जो आपने कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल बनाया है, CH3 प्लस CH2 एंड CH3। अब देखिए ध्यान से, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन ही होगा, और एक या तो यहां से निकाली या तो यहां से, क्योंकि दोनों का कार्बन सेम है, इसी कार्बन से, यहां भी CH3 यहां, बट इसका एक सेकेंडरी और एक है प्राइमरी, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, या तो एक यहां से निकाल सकते हैं, यहां से, तो इसको मान लेते हैं ए, और इस वाले को, दोनों को मान लेते हैं, चाहे इसको बी। तो ये प्रोडक्ट देखिए, अगर हम राइट साइड से निकालते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये दिस इज द ए प्रोडक्ट है। अगर हम बी वाले साइड से निकालें तो CH2 डबल बॉन्ड, और यहां पे आ जाएगा CH3 CH2 CH3, दिस इज द बी प्रोडक्ट। तो आप देखिए यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देयर 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी मैकेनिज्म के पहले जो रिएक्शन लिया था उसमें हमने बताया था कि सेटजी रूल से क्या है, मेजर है, और इस सेटजी रूल से क्या है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पे अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो जब भी कभी 2 डिग्री या 3 डिग्री आपके पास अल्कोहल हो, उसका डिहाइड्रेशन करना है, आप इवन मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे और उसका क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोकेटायन। और एक बार आपने कार्बोकेटायन बना लिया तो उसके बाद वहां से डीप्रोटोनेशन करने के बाद आप किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन। और जहां पे एल्कीन बनेगा उसका, जिसका अल्फा हाइड्रोजन कम हो, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, या फिर वो मेजर प्रोडक्ट।